हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में आप लोगों की बहुत डिमांड के बाद मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूं, जो है डिफरेंस बिटवीन बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी और एससीआर, यानी इन सारे ट्रांजिस्टर के बीच में। यहां पे हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या मेजर डिफरेंस है इनके बीच में, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में पहले मैं आपको इन सारे ट्रांजिस्टर के की पॉइंट्स बताऊंगी, उसके बाद हम इनके बीच में कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। और ये वीडियो बहुत डिमांडिंग है, बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैम इस पे वीडियो बनाइए, तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और बेसिक ट्रांजिस्टर है हमारा बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे हम बीजेटी कहते हैं, ठीक है। बाय का मतलब होता है यहाँ पे दो, एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें दो चार्ज कैरियर के कारण कंडक्शन होता है, उसको हम कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। और इस ट्रांजिस्टर में बाय जंक्शन होते हैं, यानी दो जंक्शन होते हैं। तो बीजेटी स्टैंड्स फॉर बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये बेसिकली एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, इसमें करंट फ्लो होता है हमारे इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण, और ये बेसिकली हमारा एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि बीजेटी एफईटी और बीजेटी में कौन सा करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो बीजेटी आपका एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। और क्यों है? क्योंकि द करंट फ्लो बिटवीन टू टर्मिनल, इसमें दो टर्मिनल के बीच में जो करंट फ्लो होता है, यानी कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो करंट फ्लो होता है, उसको कंट्रोल करते हैं हम बेस के करंट के द्वारा, ठीक है। इसीलिए इसको हम करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, ए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस इन विच द करंट फ्लो बिटवीन टू टर्मिनल कलेक्टर एंड एमिटर इज कंट्रोल बाय द अमाउंट ऑफ करंट दैट फ्लो थ्रू अ थर्ड टर्मिनल दैट इज कॉल्ड बेस। यहाँ पे हम बेस के करंट से हमारे एमिटर और कलेक्टर के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस। जबकि जो हमारा एफईटी होता है, यानी फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर होता है, वो हमारा एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हम उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो हमारा आउटपुट करंट है उसको हम कंट्रोल करते हैं इनपुट वोल्टेज के द्वारा। तो फर्क आपको समझ में आ गया होगा कि बीजेटी और एफईटी में क्या डिफरेंस है। बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है, इसमें हम कलेक्टर से एमिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं बेस करंट के द्वारा, ठीक है। जबकि एफईटी हमारा एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है जिसमें हम आउटपुट करंट को कंट्रोल कर रहे हैं इनपुट वोल्टेज के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे बीजेटी हैं। दो टाइप के बीजेटी होते हैं हमारे पास, एक होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन। दोनों में ये डिफरेंस है कि पीएनपी के केस में हमारे पास दो पी रीजन के बीच में हम एक एन रीजन को सैंडविच करते हैं, ठीक है। और जो मिडिल वाला रीजन होता है उससे हम अपना बेस टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, और जो सबसे ब्रॉडर रीजन होता है वो कहलाता है हमारा कलेक्टर रीजन, उससे हम कलेक्टर को कनेक्ट करते हैं, और जो हमारा ये वाला रीजन है वो कहलाता है एमीटर रीजन। तो हमारे पास तीन रीजन होते हैं बीजेटी में, एमीटर, बेस और कलेक्टर। बेस हमारा मिडिल रीजन होता है, कलेक्टर हमारा वो रीजन होता है जहां से हम आउटपुट करेंट को कलेक्ट करते हैं, और वो सबसे वाइड होता है, इसकी विड्थ सबसे ज्यादा होती है कलेक्टर की, ठीक है। बेस सबसे थिन होता है, और जो एमिटर रीजन है वो हमारा मॉडरेट होता है। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है वो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम दो एन रीजन के बीच में एक पी रीजन को सैंडविच करते हैं, ठीक है। मिडिल वाला रीजन हमारा बेस ही रहेगा, अपर रीजन जो सबसे ज्यादा ब्रॉड है वो हमारा कलेक्टर ही रहेगा, और ये मॉडरेट रीजन हमारा एमिटर रहेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर हमारा पीएनपी है और कौन सा ट्रांजिस्टर हमारा एनपीएन है। तो यहाँ पे ये जो एमिटर के एरो देख रहे हो उससे हम पहचानते हैं, अगर एरो इन्वर्ट है यानी अंदर साइड है तो ये हमारा कहलाता है पीएनपी ट्रांजिस्टर, और अगर एरो की डायरेक्शन आउटसाइड है तो ये हमारा कहलाता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। बीजेटी बेसिकली इन्वेंट किया गया था 1947 में,
बेल लेबोरेटरी में यूएस में, और ये इन्वेंट किया था तीन साइंटिस्ट की टीम ने मिलके। तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है बीजेटी का। इसके लिए मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो भी लेकर आऊंगी, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। लेकिन क्योंकि अभी स्टूडेंट्स के एग्जाम हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहते हैं कि आप इनके बीच में बेसिक डिफरेंस बता दीजिए, तो बेसिक डिफरेंस के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी मैं यहाँ आपको क्लियर कर रही हूँ कि इन्वेंशन है बीजेटी का या ट्रांजिस्टर का 1947 में। ये इन्वेंशन किया गया था यूएस के बेल लेबोरेटरी में, और ये हमारा बीजेटी जो है वो एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। दो टाइप के होते हैं, पीएनपी एनपीएन, दोनों के डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब अपन नेक्स्ट ट्रांजिस्टर देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजिस्टर है हमारा मॉसफेट, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। ये हमारा एक काइंड ऑफ एफईटी है, ये एफईटी का एक टाइप है, फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर है। कैसा ट्रांजिस्टर है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। आज जितनी भी आईसी आ रही हैं या जितने भी आपके ये डिजिटल गैजेट्स बनाए जा रहे हैं, उनमें बेसिकली हम मॉस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का ही यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ट्रांजिस्टर है। ये बेसिकली हमारा एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अब यहाँ पे देखिए, दो टाइप के होते हैं, एक एन चैनल होती है और एक पी चैनल। इनमें तीन टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स और गेट। यहाँ पे भी ड्रेन, सोर्स और गेट। गेट हमारा कंट्रोल टर्मिनल की तरह काम करता है, जैसे हमारे बीजेटी में बेस था। बीजेटी में हमारा जो बेस टर्मिनल का काम था, वहां यहाँ पे गेट टर्मिनल का काम है, ठीक है। वहां पे जो हमारे एमीटर और कलेक्टर टर्मिनल थे, ये कलेक्टर हो गया मान लो, ये एमीटर, तो एमीटर और कलेक्टर टर्मिनल जो थे वो हमारे यहाँ पे रिप्लेस हो गए सोर्स और ड्रेन टर्मिनल से। अब एन चैनल होगा तो ये एरो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, पी चैनल होगा तो ये एरो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर कॉमनली नोन एज मॉसफेट आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्विच और एम्पलीफाई सर्किट वोल्टेज। ये हमारे स्विच की तरह भी काम करता है और सर्किट के वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, क्योंकि ये हमारा एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसमें हमारे पास तीन टर्मिनल होते हैं, इन टर्मिनल के नाम होते हैं सोर्स, गेट और ड्रेन, और एक होता है हमारा बॉडी एरिया। अब नेक्स्ट ट्रांजिस्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट है आईजीबीटी। आईजीबीटी का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ये इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर क्या है? तो हमारे पास दो ट्रांजिस्टर अभी अपन ने देखे, पहला ट्रांजिस्टर था बीजेटी और दूसरा था एफईटी, ठीक है, मॉसफेट। मॉसफेट या मॉसफेट भी एक एफईटी का टाइप है। तो इन दोनों ट्रांजिस्टर की जो खूबियां थी, उनको कंबाइन करके एक और ट्रांजिस्टर बनाया गया, जिसको हम कहते हैं आईजीबीटी। आईजीबीटी में जो हमारे मॉसफेट और बीजेटी के जो जो बेस्ट चीजें थी, उनको कंबाइन करके एक और ट्रांजिस्टर बनाया गया, जिसको हम कहते हैं आईजीबीटी। यहाँ पे देखिए लिखा है, आईजीबीटी टेक द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज टू ट्रांजिस्टर, बीजेटी एंड मॉसफेट, एंड मेक अ न्यू डिवाइस दैट इज कॉल्ड आईजी। आईजीबीटी ट्रांजिस्टर में बीजेटी की क्या खूबियां हमने ले ली? बीजेटी का इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, तो इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होगा, और मॉसफेट की स्विचिंग स्पीड हाई होती है। तो हमने आईजीबीटी बनाया जिसमें बीजेटी का बेस्ट फीचर था कि उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई हो गया, और मॉसफेट की क्या खूबी थी कि उसकी स्विचिंग स्पीड हाई होती है। तो दोनों के फीचर को कंबाइन कर दिया तो एक नया ट्रांजिस्टर बन गया आईजीबीटी। अब इस ट्रांजिस्टर में हमारे पास, यहाँ पे देखिए, ये सर्किट डायग्राम है इसका, और ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हो हमारे पास बीजेटी के दो टर्मिनल है, कलेक्टर और एमिटर, और मॉसफेट का एक कंट्रोल टर्मिनल है गेट। कुछ ये बीजेटी की तरह लगता है और कुछ मॉसफेट की तरह, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर भी इन्होंने इसी तरह डिजाइन किया है कि यहाँ पे कलेक्टर और एमिटर हमारे बीजेटी टर्मिनल की तरह ही रहेंगे और गेट हमारे मॉस टर्मिनल की तरह रहेगा। तो ये कंबाइंड ट्रांजिस्टर हमारा बन गया आईजीबीटी। अब आईजीबीटी का लो सैचुरेशन वोल्टेज होता है और हाई स्विचिंग स्पीड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास और लास्ट है
SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, बेसिकली इट इज अ रेक्टिफायर। ये किस टाइप का रेक्टिफायर है? तो ये बेसिकली सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है या सेमी कंडक्टर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। इसमें हमारे पास फोर लेयर होती हैं, PN, ये भी एक सॉलिड स्टेट करेंट कंट्रोल डिवाइस है। SCR आर मेनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिक्वायर्ड कंट्रोल ऑफ हाई वोल्टेज एंड पावर। SCR का बेसिकली हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें हमें हाई वोल्टेज और पावर को कंट्रोल करना होता है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो है मीडियम और हाई एसी पावर ऑपरेशन के लिए बेसिकली हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि मोटर कंट्रोल फंक्शन के लिए। तो ये हमारा कंट्रोल रेक्टिफिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, PNPN लेयर डिपॉजिट करके हम अपना सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बनाते हैं। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, पहला होता है ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला कैथोड और बीच में होता है कंट्रोल टर्मिनल जिसे हम गेट कहते हैं। इसका सर्किट सिंबल कुछ इस टाइप, ठीक है। तो ये हमारे सारे ट्रांजिस्टर हो गए। अब इनके बीच में कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन बिटवीन SCR, BJT, MOSFET एंड IGBT। BJT का फुल फॉर्म होता है, BJT स्टैंड्स फॉर बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण कनेक्शन होता है, इसीलिए इसको बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है MOSFET। MOSFET स्टैंड्स फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर। जो MOSFET है वो कहलाता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, यानी इट इज अ काइंड ऑफ FET, ये हमारा एक FET है। नेक्स्ट है IGBT। IGBT स्टैंड्स फॉर इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो ये IGBT हो गया। और SCR है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR। अब इनके सर्किट सिंबल देख लीजिए। तो ये हमारा सर्किट सिंबल है BJT का। अगर आप केवल BJT के सर्किट सिंबल की बात करोगे तो हमेशा आपको NPN ट्रांजिस्टर का ही सर्किट सिंबल शो किया जाता है, क्योंकि मोस्टली हम NPN ट्रांजिस्टर का ही यूज करते हैं। अब NPN का ही हम क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि NPN में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हाई होने के कारण इसका कंडक्शन जो है वो हाई होता है, ठीक है। इसीलिए ये हमारा सर्किट सिंबल है BJT का, ये है MOSFET का, ये है IGBT का और ये है SCR का। सारे सर्किट सिंबल ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियसली कि किसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके टर्मिनल। तो BJT में हमारे पास तीन टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। इसमें MOSFET में हमारे पास तीन टर्मिनल होते हैं, एमीटर और कलेक्टर की जगह यहाँ पे सोर्स और ड्रेन आ जाता है और कंट्रोल टर्मिनल हमारा गेट कहलाता है। तो इसमें यहाँ एमिटर और कलेक्टर की जगह लिख लीजिए सोर्स एंड ड्रेन। अब IGBT, IGBT में क्या होता है, ये बना होता है BJT और MOSFET के कॉम्बिनेशन से। तो BJT के दो टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर और एमिटर, और MOSFET का एक टर्मिनल होता है गेट। तो इनसे बना होता है हमारा IGBT। नेक्स्ट है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें हमारे पास तीन टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। तो ये हो गया एनोड, ये है कैथोड और ये है कंट्रोल टर्मिनल गेट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डिवाइस, कौन सा डिवाइस किस टाइप का है। तो BJT हमारा एक बाइपोलर डिवाइस है, ठीक है। बाइपोलर मतलब इसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण होता है। MOSFET हमारा मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, ठीक है, यानी पी टाइप MOSFET और एन टाइप MOSFET होते हैं। पी टाइप MOSFET में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होते हैं और एन टाइप MOSFET में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है IGBT। IGBT में हमारा ये भी हमारा एक मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। नेक्स्ट है SCR, SCR भी मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। नेक्स्ट है गेट और बेस कंट्रोल। हमारे जो भी ट्रांजिस्टर्स हैं उनमें बेस का कितना कंट्रोल है या हमारे गेट टर्मिनल का कितना कंट्रोल है। तो BJT में बेस का फुल कंट्रोल होता है। बेस करंट से हम अपने एमीटर से लेकर कलेक्टर के बीच के करंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है।
मॉस्फेट में गेट हैज फुल कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन, मॉस्फेट में भी गेट का फुल कंट्रोल होता है। आईजीबीटी में गेट हैज फुल कंट्रोल, इसमें भी फुल कंट्रोल होता है, लेकिन एससीआर के केस में गेट हैज नो कंट्रोल वंस इट इज टर्न ऑन। जैसे ही हमारा एससीआर एक बार टर्न ऑन हो गया, उसके बाद हमारे एससीआर में गेट का कोई भी रोल नहीं होता, यानी कोई भी कंट्रोल नहीं रहता। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बीजेटी की। इट हैज अ मिनिमम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अप टू 10 किलोहर्ट्ज़। इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मीडियम होती है 10 किलोहर्ट्ज़। इट हैज हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मॉस्फेट जो है वो हाई स्विचिंग डिवाइस की तरह यूज किया जाता है, इसकी स्विचिंग स्पीड बहुत हाई होती है, इसीलिए इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी हाई है 100 किलोहर्ट्ज़। इसीलिए आप देखोगे जितने भी आपके डिजिटल गैजेट्स हैं उनमें हम मॉस्फेट का यूज करते हैं, ठीक है। आईजीबीटी मीडियम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अप टू 20 किलोहर्ट्ज़। एससीआर लो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी अप टू 500 हर्ट्ज़। तो ये इनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है, यानी स्विचिंग स्पीड है। नेक्स्ट है वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। तो बीजेटी इट हैज एसिमेट्रिक वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, मॉस्फेट हैविंग एसिमेट्रिकल वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, आईजीबीटी एसिमेट्रिकल वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। तीनों की एसिमेट्रिकल होती है, लेकिन एससीआर की बोथ सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है इनके टेम्परेचर कोफिशियंट में। टेम्परेचर कोफिशियंट बीजेटी का नेगेटिव, मॉस्फेट का पॉजिटिव, आईजीबीटी का फ्लैट बट पॉजिटिव एट हाई करेंट, ठीक है, और एससीआर का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट का मतलब होता है टेम्परेचर राइज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट मतलब होता है टेम्परेचर राइज होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नेगेटिव का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर राइज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है, तो बीजेटी की एप्लीकेशन है, बीजेटी का हम यूज करते हैं ऑसिलेटर्स में, यूपीएस में, एसएमपीएस में और चॉपर्स में। मॉस्फेट का हम बहुत जगह यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल जो आईसी आ रही हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम बेसिकली मॉस टेक्नोलॉजी का ही यूज कर रहे हैं। तो आपके जितने भी रोबोटिक्स हैं, आपके माइक्रो प्रोसेसर हैं, आपके माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, मोटर है, सब में हम यूज कर रहे हैं मॉस का, ठीक है, मॉस्फेट का। आईजीबीटी, आईजीबीटी का हम यूज करते हैं इन्वर्टर में, वेल्डिंग करने में, और यूपीएस में, एसएमपीएस, इन सब में यूज करते हैं। और एससीआर का बेसिकली हम यूज करते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बनाने के लिए, एसी टू डीसी कन्वर्टर या कंट्रोल रेक्टिफिकेशन के लिए हम बेसिकली एससीआर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस थे हमारे बीजेटी, मॉस्फेट, आईजीबीटी और एससीआर में। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इन सब के लिए मैं डिटेल वीडियो भी आपके सामने लेकर आऊंगी। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।